नमस्ते फ्रेंड्स, आज में हम वेज फ्राई बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही कम तेल में बन जाता है और स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। इसे आप एक बार ज़रूर बनाइए। अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये छत्तीसगढ़ की फेमस रेसिपी है, वहाँ इसे हर कोई जानता है। मैं आपको दो तरीके से बनाना बता रही हूँ, आपको जो तरीका पसंद आएगा उस तरीके को आप इस्तेमाल करिए। अगर आपके चावल बच भी जाते हैं तो इस तरह की रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। चावल का आटा का फरा बनाने के लिए हमने एक कप चावल का आटा लिया है, एक कप पका हुआ चावल लिया है। जनरली ये रेसिपी बचे हुए चावल से ही बनाई जाती है। और तड़के के लिए हमें जो सामान चाहिए वो है कड़ी पत्ता, लाल सूखी मिर्च, सरसों, तिल, खड़ा जीरा और स्वाद अनुसार नमक। तो फरा बनाने के लिए हम एक बाउल लेते हैं और उसमें चावल का आटा और पके हुए चावल दोनों को डाल देते हैं और साथ ही साथ स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे, कड़ा आटा गूंथ लेंगे हम। ये छत्तीसगढ़ की ट्रेडिशनल रेसिपी है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इस स्टेज में आप मिक्स वेज मिला सकते हैं ताकि ये फरे और पौष्टिक बन जाए। अब थोड़ा पानी ऐड करते हैं। पानी बहुत कम ही ऐड करके हम इसे अच्छी तरह मस लेंगे और टाइट डो तैयार करेंगे। आपके पास अगर चावल का आटा अवेलेबल ना हो तो आप डेली यूज़ के चावल को अच्छी तरह पोंछ लें और उसे मिक्सर जार में पाउडर बना लें। आप चाहे तो केवल चावल के आटे का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं फरे। बचे हुए चावल का सही इस्तेमाल है कम तेल में। मैं ये फरा आपको दो तरीके से बताऊंगी। एक ट्रेडिशनल तरीका, यानी पहले छौंक कर यानी तड़का लगा कर उसके बाद फरे को तैयार करूँगी, और दूसरा स्टीम करने के बाद तड़का तैयार करूँगी। आपको जो तरीका पसंद आए उस तरीके को आप फॉलो करें और फरे बनाएं। डो तैयार हो जाए तो उसके बाद इसे अच्छी तरह मसल कर चिकना करना है हमें। अच्छी तरह चिकना नहीं करने से फरे फटे फटे बनेंगे। देखिए अच्छी तरह चिकना हो गया है। आप थोड़ा सा हाथ में कुकिंग ऑयल लगा कर इसे फिर थोड़ा सा मसल लेते हैं और चिकना कर लेते हैं। जो मेहनत है फ्रेंड्स इस चावल के आटे को मसलने में है, उसके अलावा और ज़्यादा मेहनत वाला कोई काम नहीं है। अब हम इस डो से छोटे छोटे पीस लेंगे और इस तरह से टाइट राउंड बनाकर उसके बाद उंगलियों की सहायता से प्रेस करके इस तरह से बना लेंगे। आप चाहे तो इस तरह गोल करके भी बना सकते हैं, आपको जो जैसा पसंद है वैसा करें। इस तरह से हम सारे बना लेते हैं। अगर आप मिक्स वेजेस मिलाते हैं तो फ्रेंड्स उसमें कुछ मसाले ज़रूर मिला लीजिएगा, जैसे काली मिर्च पाउडर, मिर्च का पेस्ट, ताकि थोड़ा फरे में स्वाद आ जाए। अभी हमारा तैयार होने वाला है, पहले हम स्टीम करेंगे तो इसलिए इसको दो पार्ट में कर लिया है। अब एक कढ़ाई में पानी रखकर उसे उबलने देंगे। अब लास्ट वाले डो को हम दो पार्ट में बांट करके इसे कटोरी की तरह बनाएंगे ताकि इसमें हम चटनी सर्व कर सकें। आप चाहे तो बना भी सकते हैं और नहीं भी। अब जिस बर्तन में हमें फरे को स्टीम करना है उसमें हम थोड़ा ऑयल ग्रीस कर देंगे ताकि आराम से होने के बाद फरे निकल सके। पानी उबल गए हैं, अब इन फरों को हम स्टीम करने के लिए इस बर्तन में सेट करेंगे। मीडियम फ्लेम में इसे 10 से 12 मिनट तक स्टीम होने देंगे। अब हम तड़का वाली फरे तैयार करेंगे तो एक पैन ले लेंगे। अब इसमें ज़रूरत अनुसार कुकिंग ऑयल डालेंगे, 2 से 3 चम्मच डालूंगी। अब तड़का की सामग्री
बारी बारी से डालूंगी। जैसे पहले थोड़ा जीरा ऐड कर लिया है, उसके बाद थोड़ा सरसों ऐड करेंगे। ये चटक जाए तो हम दो तीन सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। उसके बाद एक चम्मच सफ़ेद तिल ऐड कर देंगे, इसे चटकने दें। ये अच्छी तरह चटक जाए तो हम तेज पत्ता डालेंगे। अब गैस की फ्लेम को लो कर लीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो दिक्कत होगी। अब पानी धीरे धीरे डालिए। ये तरीका एकदम ट्रेडिशनल तरीका है छत्तीसगढ़ का, इसी तरीके से वहाँ के लोग बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, बहुत ही थोड़ा ऐड करेंगे, क्योंकि हमने चावल के आटे में नमक डाला है। अब इसे एक उबाल आने दें। पानी हमें इतना डालना होगा कि हमारे फरे उसमें अच्छी तरह डूब जाएं। कम पानी नहीं इस्तेमाल करना है। पानी बॉयल होंगे हो गए हैं, फ्लेम को मीडियम कर देंगे और फरे ऐड कर देंगे। ये फरे इसी पानी में पकेंगे, डालने के तुरंत बाद इसे छेड़छाड़ ना करें। अभी से ढक दें जब तक कि पानी ना सूख जाए। पानी सूखने से पहले हमें एक बार इसे पलटी ज़रूर करेंगे, अभी थोड़ा टाइम है। जब तक हमारे फरे स्टीम हो रहे हैं फ्रेंड्स, हम ट्रेडिशनल चटनी की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले 6-7 कली लहसुन ले लेंगे, बहुत ही एक छोटा टुकड़ा अदरक का, अगर आपको पसंद हो तभी डालें। स्वाद अनुसार मिर्च ऐड करें, साथ ही धनिया पत्ता। मेरे पास अभी धनिया पत्ता कम है, आप चाहे तो और ऐड कर सकते हैं। और एक कच्चा टमाटर चॉप करके डाल दूंगी इसमें। अगर आपको कच्चा टमाटर पसंद ना हो तो टमाटर को आग में भी पका सकते हैं, उसके बाद आप इस्तेमाल करें। मैनुअल चॉपर से मैं चॉप करने जा रही है, थोड़ा दरदरा चटनी रखूंगी। आप चाहे तो मिक्सर जार में भी दरदरा चटनी पीस लें, महीन चटनी इसमें अच्छी नहीं लगती है। स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक और काला नमक ऐड कर दी हूँ, अभी से चॉप कर लेती हूँ। अब हम अपने तड़का वाले देखते हैं, इसे एक बार चला लेते हैं, इसे अच्छी तरह मिक्स कर ले। पानी पूरी तरह सूख गए हैं। अब इसे चेक कर ले कि पके हैं कि नहीं। पूरा नीट एंड क्लीन निकले हैं, यानी ये पक गए हैं। हमारा तड़का वाला फरे तैयार हो गया है। इसे अच्छी तरह चलाकर जो थोड़ा भी पानी है उसे सुखा ले और गैस की फ्लेम बंद करके धनिया पत्ता से गार्निश कर दें। अब इसी तरह स्टीम वाले को भी चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये भी पूरे अच्छी तरह नीट एंड क्लीन निकले हैं, ये भी पक गए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। अब हम स्टीम वाले के लिए तड़का की तैयारी करते हैं। एक पैन लेते हैं, इन दोनों कटोरी नुमा फरे को हम तड़का नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि हम चटनी परोसेंगे। ऑयल डाल देंगे और जिस तरह हम तड़का यूज़ करते हैं उसी तरह सारी तड़का की सामग्री डाल देते हैं। तड़का चटक गए हैं, अब हम स्टीम वाले फरे को डाल देते हैं। इस टाइम आप फ्लेम को लो कर दीजिए और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। फरे तैयार हो गए हैं, अब चलिए सर्व करते हैं। इस तरह हमारे चावल के फरे तैयार हो गए फ्रेंड्स, अभी सर्व करने के लिए रेडी है। आप एक बार ज़रूर बनाइए और उसके बाद कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पहले के लोगों की हम ट्रेडिशनल रेसिपी से अनजान है फ्रेंड्स, इसलिए कहीं ना कहीं से हमें इस तरह की रेसिपी की जानकारी होती है, तो हमें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और ये रेसिपी पौष्टिक है, किसी तरह की अनहेल्दी नहीं है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।